Hello everyone, I am Dr. Monisha, your biology mentor, and I welcome you all on the platform of My Classroom. At My Classroom, we prepare our students for various competitive examinations at national and international level. We prepare the students for NEET, IIT JEE, and NTSC. And this time we have come up with the paper discussion series for the preparation of NSO 2023. जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस किया था पेपर एनएसओ का 2021-22 का. आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2020-21 का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन. एनएसओ 2023 इज आवर प्राइम गोल. ओके, बिफोर वी कम अप टू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट गाइडलाइंस दैट कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो. Students, you should know that you are going to get extra 10 minutes for filling up the sheets of OMR. आपको अपना नाम लिखने के लिए, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर लिखने के लिए 10 minutes extra दिए जाएंगे और आपको नीचे साइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ठीक है, अगर आप पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो पेपर वुड बी डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस. फर्स्ट सेक्शन वुड बी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंड सेक्शन वुड बी साइंस सेक्शन एंड देन वुड बी अचीवर सेक्शन. लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होंगे और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे. यू शुड नो दैट द क्वेश्चंस ऑफ साइंस सेक्शन एंड अचीवर सेक्शन दे वुड इंक्लूड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. और आपको कुछ ध्यान रखने की बात यह है दैट अचीवर सेक्शन जो है इसके अंदर आपके 3 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है और बाकी सेक्शन जो है आपका उसमें साइंस सेक्शन में 1 मार्क है, बाकी सारे सेक्शन का 1 मार्क है ईच. सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत कंपलसरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटर्स का यूज नहीं कर सकते हैं अपनी किसी भी कैलकुलेशंस के लिए. एक सही आंसर के लिए यू विल बी गेटिंग 1 मार्क एंड आप जो है टू फिल अप द ओएमआर आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यूज द एचबी पेंसिल और ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. ओके, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ओएमआर कैसे भरनी है. ठीक है, तो ओएमआर फिलिंग के लिए एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट इन द वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ. कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस है? Ice warming up and turning into liquid, water vapor cooling down and turning into liquid, liquid cooling down and turning into ice, liquid warming up and turning into water vapor. बहुत clear है answer जो है इसका B है. ठीक है, अब B answer है, हमने ये decide कर लिया है. ठीक है, तो आपको जैसे ही A पढ़ेंगे B पढ़ेंगे पता लग जाएगा B answer है. आपको सारे options पढ़ने हैं, आपको पता लग गया B answer है. अब आपको OMR कैसे भरना है, जैसे question number 13 है ये. ठीक है, तो question number 13 के सामने A, B, C, G, E इस तरीके से marking दी हुई है, जितने भी दिए होंगे आपको. अगर ये question fill करना है and the answer is B, इसको पूरे को अच्छे से encircle करेंगे with a blue और black ball point pen. ठीक है, चलिए 2021-20 का पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द साइंस सेक्शन, बायोलॉजी पार्ट डिस्कस करते हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक से आया हुआ है. देखिए क्या है, देखिए पढ़ते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन. देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. कॉटन प्लांट इज यूजुअली ग्रोन इन द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. हाँ जी, कॉटन प्लांट. अब आप सोचिए, अब आपको कॉटन प्लांट के बारे में सोचने लग जाना है. ठीक है, क्या सोचेंगे? कॉटन प्लांट जो है ये कैसी जगह पे आता है? ब्लैक सॉइल. आपको पता है ब्लैक सॉइल चाहिए इसको, और इसको ड्राई एनवायरमेंट चाहिए, ड्राई और वार्म क्लाइमेट भी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर रेनी वेदर होता है या ह्यूमिड होता है तो क्या होता है, कॉटन के फाइबर्स बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए. ये स्टेटमेंट तो ठीक है. कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. नहीं, कॉटन फाइबर्स जो है ये जिस प्रोसेस से सीड से निकाले जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम गिनिंग. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो हम ऑप्शन अब पढ़ेंगे. बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नहीं, स्टेटमेंट करेक्ट ही नहीं है. दूसरी स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं. स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो 1 करेक्ट है और 2 जो है ये इनकरेक्ट है. सी शुड बी द आंसर. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन.
कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर आर एनवायरमेंट. चलिए देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वेन डायग्राम बनाया हुआ है, कंफ्यूज होना नहीं है. क्या है इसमें, वेन डायग्राम दिया हुआ है और देखो क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन. देखो सबसे ज्यादा मैं बार बार यही कहती हूँ, सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो होती है करेक्ट और इनकरेक्ट में, क्योंकि हम करेक्ट ढूंढते रहते हैं और क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा होता है और इसी वजह से आंसर जो है वी लूज द मार्क्स. तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है. अब देखेंगे, ये है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये वेस्ट मटेरियल है. आपको पता है वेस्ट मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में. तो ये बायोडिग्रेडेबल पार्ट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट है. तो इसका मतलब पी बायोडिग्रेडेबल है और क्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये है कंक्लूजन. चलिए आगे पढ़ते हैं. पी जो है, अब इसमें कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है. पी कैसे होना चाहिए, बायोडिग्रेडिग्रेडेबल. तो रॉटन वेजिटेबल बायोडिग्रेडेबल है, बर्ड है, बर्ड की ड्रॉपिंग है और जूट बैग भी, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है. तो ये तीनों ही अब जो है आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है. इनकरेक्ट क्या, देखो ग्लास बॉटल नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, और कॉटन शर्ट बायोडिग्रेडेबल है. तो इसका मतलब इनको उल्टा होना चाहिए, तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर शुड बी ए, ठीक है बच्चों. आगे चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मूवमेंट एंड लोकोमोशन. चलिए पढ़ते हैं, टेबुलर फॉर्म में है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पढ़ते हैं इसको. रेफर द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखो फिर से इसको मार्क कर लो, क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, ठीक है. अब ये है एनिमल एक्स है, ये एनिमल वाई है, ये एनिमल जेड, ठीक है. एक्स वाई और जेड एनिमल है, ठीक है. तो देखते हैं, ये स्विम कर सकता है, एक्स एनिमल कैन स्विम, एक्स स्विम कर सकता है और ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स से ब्रीथ कर सकता है और फेदर्स नहीं है, ये फिशेस जैसा लग रहा है, ठीक है. बट नो कंक्लूजन्स बिफोर रीडिंग ऑल द ऑप्शंस, ओके. वी वाई क्या है, स्विम कर सकता है लेकिन गिल्स से ब्रीथ नहीं कर रहा है, लेकिन फेदर्स भी हैं, ओके. आगे आगे चलते हैं, ये एक्वेटिक बर्ड हो सकता है, इट कुड बी एक्वेटिक बर्ड, क्योंकि ये स्विमिंग कर रहा है लेकिन ये गिल से ब्रीथ नहीं कर रहा है, ठीक है. और ये जो है फेदर्स है इसकी बॉडी पे, तो ये बर्ड हो सकता है लेकिन एक्वेटिक बर्ड होगा क्योंकि स्विमिंग कर रहा है. अच्छा, जेड जो है ये स्विम भी नहीं कर रहा है, गिल से ब्रीथ भी नहीं कर रहा है और इसके पास लेकिन बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स है. तो ये जो है, दिस शुड बी अ, ये फिशेस होनी चाहिए हैं, ठीक है. ये जो है दिस शुड बी एक्वेटिक बर्ड होना चाहिए इसको, और ये जो है दिस शुड बी सिंपल बर्ड, ठीक है. ये हो सकता है, आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स. अच्छा, हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये हमें फाइंड करनी है. एक्स कुड बी एन एनिमल हुज बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, हाँ, तो फिश की बॉडी स्केल से कवर्ड होती है, ठीक है, तो ये सही है. वाई कुड बी एन एनिमल, हमें गलत ढूंढना है, वाई कुड बी एनिमल दैट ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स. अच्छा, अगर वाई एक्वेटिक बर्ड है ना, तो वाई जो है ये ब्लो होल से ब्रीथ नहीं करता है, ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी ही होनी चाहिए. बट Even then, what we would do, we would be reading C and D part also. तो क्या है, Z could be animal that has hollow bones. तो अच्छा, hollow bones आ गई ना, hollow bones means pneumatic bones. Pneumatic bones मतलब क्या होती है, pneumatic bones होती है birds के अंदर, ताकि ये easily fly कर सके, ये birds का adaptation है ना. तो इसका मतलब जो Z है ये bird है, ये भी हमारा सही conclusion है. बॉडी ऑफ एक्स वाई जेड जो है ये स्ट्रीमलाइन है, हाँ, तो बर्ड्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है फ्लाई, उसमें फ्लाइंग में हेल्प करेगी और इनको स्विमिंग में मदद करेगी. तो गलत स्टेटमेंट जो है इसमें, इट शुड बी स्टेटमेंट बी शुड बी द आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. इस तरीके से आपको लॉजिकली पढ़ के पूरा फ्रेमिंग करके जो है आंसर्स को सॉल्व करना है, ओके. दिस इज हाउ यूड बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंस. देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, इसको ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, इससे काफी आ रहे हैं, इसको भी देखना है. रीना टुक सम मूंग सीड्स एंड सोक देम ओवरनाइट इन द वॉटर. नेक्स्ट डे आफ्टर ड्रेनिंग आउट वॉटर शी रैप द सीड्स इन द वेट क्लोथ. आफ्टर वन डे शी ऑब्जर्व स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर्स. व्हाइट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं मूंग दाल में से, है ना, स्प्राउट्स कहते हैं जब हम उन्हें.
ग्रोइंग आउट ऑफ सीड दीज स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर्स विल डेवलप इनटू। देखो जो व्हाइट स्ट्रक्चर है अगर ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होने चाहिए, रूट। और अगर आपने मूंग दाल देखी है तो आप देखेंगे कि वो नीचे की तरफ ही जाते हैं, तो इसका क्लियर कट आंसर जो है इट शुड बी रूट, है ना, रूट होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन, एंड द अदर क्वेश्चन इज फ्रॉम फाइबर, इज फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। चलो रीड करते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, करेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप पढ़ते जाएंगे और सोचते जाएंगे कि सही कौन सी है। ठीक है, हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफ ऑफ ए प्लांट। नहीं, हेम्प फाइबर हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। नहीं, हेम्प नहीं, हमने झूठ डिस्कस किया था, लेकिन चलिए हेम्प भी तो उसी की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये आता है स्टेम से, ये किससे आता है, स्टेम से आता है। ठीक है, अच्छा तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमको चाहिए है करेक्ट स्टेटमेंट। आगे चलिए, सेकंड स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ बास्ट फाइबर। अच्छा बास्ट फाइबर क्या होते हैं, बास्ट फाइबर क्या होते हैं बच्चों, बास्ट फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होते हैं ये बेटा, ये ऑब्टेन होते हैं स्टेम से। ठीक है, तो अगर ये स्टेम से ऑब्टेन हो रहे थे, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में अभी हमने बात करी जूट आता है, हेम्प आता है। ठीक है, जूट और हेम्प आते हैं, तो इसका जूट एंड हेम्प एंड सिसल, सिसल जो है ये हमने पहले भी लास्ट ईयर वाले जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि सिसल फाइबर जो है ये लीव्स से आता है, सिसल प्लांट की लीव से आता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। ओके, वी हैव टू फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन, सिल्क कॉटन है। ठीक है, सिल्क वर्म वाला नहीं है ये, सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्की हेयर दैट सराउंड द सीड ऑफ कैपॉक ट्रीज। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट, कैपॉक ट्रीज से मिलता है, उसके सीड से मिलता है। वूल ऑन बर्निंग गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। हाँ, वूल जो है इससे जब ये जलता है तो इसके अंदर वो हेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है वही आती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, थर्ड एंड फोर्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन शुड बी, द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। Yes. Moving forward to next question. इस तरीके से आपको पढ़ के आराम से सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शंस पे डायरेक्टली यू डोंट नीड टू जंप, यू हैव टू रीड ईच स्टेटमेंट स्लोली एंड कामली। ओके, रेफर टू द स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन एनी टू ऑफ देम। देखो अब इनमें से कोई भी दो सही हो सकते हैं, तो अब फाइंड आउट करने से अच्छा है कि हम इसको फिल ही कर लेते हैं। पढ़ते हैं स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेमन फॉर्म द डैश रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सबको पता है स्टेमन क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए मेल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है पिस्टल, है ना, या फिर हम क्या कहते हैं इन्हें, कार्पल। ओके, ना रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड, रूट क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ आना चाहिए मिनरल्स। ठीक है, पी प्लांट हैज डैश फ्लावर। अब किस तरीके के फ्लावर है इसको फाइंड आउट करने के लिए, अब देखिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, इनकम्प्लीट दे रखा है ना, तो इसका मतलब कंप्लीट या इनकम्प्लीट में से पूछा जा रहा है। तो पी प्लांट जो है इसके अंदर, आपको पता हो अगर पी प्लांट के अंदर अगर आप वर्ल्स की बात करो तो वर्ल्स में हमारे पास चारों वर्ल्स है, फोर वर्ल्स है। कौन कौन से वर्ल्स है हमारे पास, बाहर की तरफ सेपल्स है, फिर हमारे पास पेटल है, फिर हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, एंड देन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो चारों वर्ल्ड्स हैं, तो जब चारों वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट, व्हेन फोर वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट इन अ प्लांट इन अ फ्लावर, देन दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर। सो हियर द आंसर शुड बी कंप्लीट, है ना। देन इज दैट इट इज अ शॉर्ट स्टॉक, डैश इज अ शॉर्ट स्टॉक दैट अटैचेस लीफ टू स्टेम। जो लीफ होती है, ये लीफ है आपकी, इसको स्टेम के साथ कौन अटैच करता है, इसको अटैच करता है पेटियोल, तो यहां आना चाहिए है पेटियोल, पेटियोल। ओके, सो लेट्स सी विच वन सूट्स अस। ओके, सो ए इज फीमेल एंड मिनरल्स, नो, स्टार्च एंड इनकम्प्लीट। ओके, incomplete and style male and petiole, so this one is suiting us, so answer should be D. okay, so this is how you need to read and you know come to the conclusion that this should be the answer. Okay, you have understood, you have to solve the question like that, reading line to line. Okay, this question has come up from the food and its components. Okay, kya hai question, identify the test shown in the given figure.
एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, क्या ढूंढना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. फाइन, नाउ दिस इज अ फूड सैंपल गिवन. ठीक है, ये फूड सैंपल है, इसके अंदर हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, साथ पे कॉस्टिक सोडा डाला है, कॉस्टिक सोडा NaOH ये हमने डाला है. तो इसको हमने शेक किया, व्हेन वी शेक इट द कलर इज पर्पल. ये क्वेश्चन थोड़ा सा केमिस्ट्री के साथ मिक्स होके आ गया है, बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है ये, तो देखते हैं, कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए वैसे. दिस इज वेरी क्लियर कि आपके फूड में देखिए जो क्वेश्चन आएगा वो मेनली किस किस से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से आ जाएगा, यानी कि स्टार्च का टेस्ट पूछ लेंगे आपसे या प्रोटीन का पूछ लेंगे, इन दो में से मेजरली आ सकता है फैट. ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये बेसिकली जब फूड सैंपल के अंदर अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन जो है, कॉपर जो है इसके अंदर, कॉपर आयन्स जो है वो अगर फूड में प्रोटीन वाला पार्ट होता है तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो वायलेट या पर्पलिश कलर देता है शेक करने पे, अगर हम उसको कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में रखेंगे तो बेसिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय कॉस्टिक सोडा. तो इसका आंसर जो है, क्योंकि ये पर्पल कलर आ रहा है तो बहुत ही एविडेंट है, इफ यू हैव रेड दैट इट शुड बी प्रोटीन. ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चेक द स्टार, शुगर एंड प्रोटीन, सो आंसर शुड बी सी. इसका आंसर सी होना चाहिए, प्रोटीन इन द फूड सैंपल. ठीक है बच्चों, लेकिन अगर जैसे शुगर है तो शुगर के लिए जो आपके पास टेस्ट है, शुगर का ब्रिक रेड कलर आता है, बेनेडिक्ट टेस्ट आ जाता है. स्टार्च है तो इसके लिए आपके पास ये है आयोडीन के साथ जो कलर आता है, ब्लू ब्लैक कलर आता है वो है, तो इसका आंसर सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट इज फ्रॉम आर एनवायरमेंट. ठीक है, चलिए इसको रीड करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट. ओके, एयर के बारे में है तो क्वेश्चन तो ईजी ही होगा, लेकिन हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, तो यही हमारा क्या है, जिस्ट है इसको, इनकरेक्ट को देखना है. ऑप्शन ए इज एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. ठीक है, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, तो ये तो करेक्ट है. एयर हैज नीदर फिक्स्ड शेप. ठीक है, नहीं है. एंड हैज नॉर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है, ये भी. एयर इज इनकम्प्रेसिबल. नहीं, एयर तो कंप्रेसिबल होती है, ये तो आपको पता है. एयर इज कंप्रेसिबल, है ना, एयर कंप्रेसिबल होती है, तभी तो हम क्या गैस सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस कर देते हैं ना एलपीजी को. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डी है आंसर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना, लेकिन बाकी सारे जो पहले के हैं वो थोड़े से सोचना पड़ रहा है. तो यहाँ पे भी अब मैचिंग है, तो मैचिंग में भी आपको पता है पहले सोचना पड़ेगा, तो सोचते हैं. चलिए आइए, फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन है. देखो कितने सारे फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं. प्रोसेसेस के ऊपर है ये सारे, इनके प्रोसेस दे रखे हैं. देखिए, ओके, मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, करेक्ट ढूंढना है हमें बच्चों. ठीक है, कॉलम वन है और कॉलम टू है, क्या है, गिनिंग है, रेटिंग है, कार्डलिंग है और सीड पॉड है और लेंट है. ठीक है, गिनिंग जो है, इट शुड बी, गिनिंग क्या है, सेपरेटिंग द फाइबर्स फ्रॉम द सीड. ठीक है, तो गिनिंग जो है इस यहाँ आना चाहिए ये. ठीक है, रेटिंग क्या होता है, रेटिंग होता है बच्चों रॉटिंग द स्टेम. रेटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो सॉल्यूशंस में भी समझाया था कि रॉट कर देते हैं स्टेम को, ताकि वो जो स्टेम है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए. तो इसका आंसर होना चाहिए बी. ओके, दिस शुड बी टू, दिस शुड बी टू. This should be two. Okay. Cardling. Cardling is okay. क्या बचा है इसमें, देखिए. Cardling is हम जब cardling का मतलब होता है जो fibers होते हैं ना, जब वो एक दूसरे के साथ entangle हो जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, we clean them, उनको clean करना और उनको open करना, यानी कि disentangle करना. तो ये यहीं पे है, first option में ही है. So it should be the third, should be hair. Then seed pod. सीड के जो पॉड हैं वो कौन से होते हैं, सीड पॉड का मतलब सीड बॉल. अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं वैसे भी, सो देयर शुड बी फोर. एंड देन लिंट. लिंट क्या है, जब कॉटन फाइबर्स जो है, जब ये सेपरेट हो जाते हैं ना सीड से, सीड से जब कॉटन फाइबर्स को हम सेपरेट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं लिंट. तो यहाँ आना चाहिए फाइव. अब हमें ये मैचिंग देखनी है कहाँ पे है, तो वन विथ ई, वन इज विथ E and second is with B, so answer should be ये first ही लग रहा है, so answer should be A.
सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. मैच करने से पहले सारे प्रोसेसेस को खुद ही सॉल्व कर लो, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद उस करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है. लकीली पहला ही मिल गया हमें, तो वी डोंट नीड टू मूव फॉरवर्ड. ओके, स्टेटमेंट सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मूवमेंट एंड लोकोमोशन में से क्वेश्चन है, तो लोकोमोशन के पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले सोल्यूशन में भी हमने डिस्कस किए थे. तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, गलत फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं. फोर ऑप्शन है इसमें, फोर स्टेटमेंट से क्या है. सैल्मन माइग्रेट्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी. देखो ये ही गलत स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हम बाकी पढ़ेंगे. आपको पता है जो सैल्मन है ये कैसी है, ये ओशन की फिश है, ये सी फिश है, ओशन फिश है. तो ये माइग्रेट करती है, लेकिन ये कैसी, जब ये रहती ओशन में है, व्हेन इट इज फिश व्हिच इज लिविंग इन ओशन, देन वेयर विल इट माइग्रेट. इट वुड माइग्रेट फ्रॉम ओशियन टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. स्पॉनिंग क्या होता है, जो माइग्रेटरी मूवमेंट्स इनकी होती है ब्रीडिंग सीजन में, उसके लिए क्या करते हैं, स्पॉन करते हैं, है ना. तो ये क्या करते हैं, सी से कहाँ आते हैं, फ्रेश वाटर की तरह आते हैं. तो जब सी में रहेंगे तो फ्रेश वाटर की तरफ आ जाएंगे, एंड देन दे रिप्रोड्यूस देयर, एंड देन दे डाई, एंड देन लार्वा दे माइग्रेट बैक अगेन टू द सी वाटर. दिस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग. So spawning is you know vice versa it also occurs, but here the fish which is given is salmon. तो सैलमन दी हुई है, तो फिर इसलिए ये ओशियन की फिश है, तो इसकी डायरेक्शन जो है ये गलत है. इसने लिखा है फ्रॉम फ्रेश वाटर, तो इट इज फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर. तो ये कैसे क्या होना चाहिए, फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, है ना, ये होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ही आंसर है, फिर भी मैं बाकी स्टेटमेंट एक बार जरूर पढ़ूंगी. ए एंड बी भी हो जाता है कई बार, वो भी नहीं है यहाँ पे. स्टिल आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट. यस, आर्कटिक टर्न का लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट होता है 30,000 किलोमीटर के आसपास जो है इसका जो है रूट होता है, ठीक है. सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. दोज एनिमल्स विच आर नॉट एबल टू अडेप्ट इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इन द एक्सट्रीम समर्स और इन एक्सट्रीम विंटर्स, व्हाट दे डू, दे विल माइग्रेट. यानी जो ये एक तरीका है किसका, अडेप्टेशन का, अपने आप को एनवायरमेंट से अडेप्ट करने का तरीका है. जब बहुत एक्सट्रीम कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर को, अपने आप को, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, तो वो रेगुलेटर्स होते हैं. जो नहीं रेगुलेट कर पाते वो कन्फर्मर्स होते हैं. तो जो नहीं रेगुलेट कर पाते उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइग्रेटरी एक्टिविटीज शो करते हैं इन द एक्सट्रीम सीजन्स, ठीक है. तो अब जैसे अगर वो वार्म विंटर में है, अगर वो कुछ, जैसे आपने हाइबरनेशन सुना होगा, तो वो विंटर से बचने के लिए हाइबरनेट कर जाते हैं, जैसे पोलर बियर्स के केस में होता है. एस्टिवेशन होती है, समर स्लीप होती है, ठीक है, ऐसे ही एक डायपॉज भी होता है. लेकिन अब जो ये सब नहीं कर पाते वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करके चले जाते हैं. जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, वो माइग्रेट करती हैं, है ना. तो माइग्रेशन ये सही है, दिस स्टेटमेंट इज सही, राइट. कैमेलियन चेंजेस कलर ऑफ इट्स स्किन टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग. हाँ जी, कैमोफ्लैज है ये, क्योंकि उसको अपनी सराउंडिंग के साथ करना है, ब्लेंड करना है अपने कलर को, टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेशन, अपने प्रीडेशन से बचाना है ना. तो इसीलिए प्रीडेटर से बचाना है खुद को. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो गलत स्टेटमेंट तो यही है. सो आंसर शुड बी ए. Okay, so this is how you have to solve the questions. Read them one by one and spend some time on them, on the lines. Okay, let's move to the next question. The next question is from the World of Living again. You have to find out the incorrect match. Okay, keeping in mind that we have to find the incorrect match. Let's start. Plant and reproduces by. इसका मतलब क्या दे रखा है? हमारे को यहाँ पे क्या दे रखे हैं? यहाँ पे हमारे को plant दे रखे हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारे को क्या दे रखे हैं, रिप्रोडक्टिव इसके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. अगर आपने थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा क्लास सिक्स में, तो आपको पता है फर्न, फर्न जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सही ऑप्शन है. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, गलत ऑप्शन फाइंड करना है. ठीक है, डेलिया है, ये स्टेम है. ठीक है, ब्रायोफाइलम की लीव्स होती हैं, जो ब्रायोफाइलम की लीफ में मार्जिन्स पे जो बड्स बन जाते हैं, जिससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है.
तो ये भी ठीक है। टैपियोका जो है ये रूट से करता है, लेकिन अब आप इनमें इनकरेक्ट देखिए, जो ये जो दलिया दे रखा है ये किससे करता है, दिस इज अ अंडरग्राउंड रूट। तो यहाँ पे अगर रूट होता तो ये एक करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर शुड बी बी ओनली। ओके सो ये अगर आपने ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी है। सो यू नीड टू स्टडी एंड स्टडी अ बिट इन डिटेल अबाउट द क्वेश्चंस, अबाउट द चैप्टर्स टॉपिक्स। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन सीम्स टू बी इजी। ये आर एनवायरनमेंट से, आर एनवायरनमेंट के ज्यादातर क्वेश्चन जो है काफी ईजी ही हैं। देखिए, रेफर टू द डिफरेंट वाटर सोर्सेस गिवन बिलो। ये ट्यूबवेल है, रिवर है, ओशियन है, वेल है, पॉन्ड है एंड सी है। क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट नंबर, करेक्ट नंबर बताना है किसका बेटा, सरफेस वाटर सोर्स का बताना है और हमें बताना है ग्राउंड वाटर सोर्स का। तो जो लैंड पे होंगे, मतलब जिसमें वाटर लेवल जो है वो लैंड पे आएगा, वो हो जाएगा सरफेस वाटर सोर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सरफेस वाटर सोर्स। तो सरफेस वाटर सोर्स हमको कहाँ मिल रहा है, लैंड पे, लैंड के आसपास मिल रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है लैंड के आसपास, हमको रिवर मिलेगी, हमको सी मिलेगा, बीच है ना, और पॉन्ड भी होगा, ट्यूबवेल नहीं होगा, वेल भी नहीं होगा, और क्या है, ओशियन है, तो ओशियन भी हो, ठीक है। तो ये चार तो होंगे सरफेस वाले। अब क्या है, हमारे को फाइंड आउट करना है ग्राउंड वाटर। तो अब नाउ द नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर, है ना बेटा। तो ग्राउंड वाटर जो है इसके सोर्सेस में क्या क्या होना चाहिए, ग्राउंड वाटर है हमारा अंडर द लैंड, अंडर लैंड है ना, तो अंडर द ग्राउंड। तो अंडर द ग्राउंड में हमारे पास क्या है, वेल और ट्यूबवेल, आपको पता ही है। तो वेल एंड ट्यूबवेल, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी, दिस इज 4 एंड 2, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन आई, आई से आया हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द आई इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। देखो क्या पूछा हुआ है, देखो यार ध्यान दो, इसमें इनकरेक्टली मैच है, यहाँ क्या पूछा हुआ है, इट्स इनकरेक्टली मैच हैज बीन आस्क्ड, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आयरिस, देखो आप देख रहे हो कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट मैच के पूछे गए हैं, क्योंकि पहला जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है ना वो करेक्ट पे ही क्लिक करता है, तो इसीलिए इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे। आयरिस क्या है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, बिल्कुल सही है। आयरिस जो है ये डायलेटर और कंस्ट्रिक्टर मसल्स के थ्रू क्या करता है, लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। किसके अंदर, आयरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो प्यूपिल के अंदर जो लाइट आ रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करेगा आयरिस। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हमें गलत ढूंढना है, ठीक है। देन इज प्यूपिल, लाइट एंटर्स इन द आई थ्रू इट। अभी मैंने आपको बताया कि आयरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इन द आई, एंड द लाइट इज एंटरिंग थ्रू द ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए एंड बी। देन मूविंग फॉरवर्ड, कॉर्निया इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन इज फॉर्म्ड ऑन इट। नहीं, वो कहाँ बनती है इमेज, कहाँ बनती है आपको पता है, इमेज बनती है किस पे बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। इमेज किससे बनती है, रेटिना से बनती है ना, और कॉर्निया क्या करता है, फोकस करता है लाइट को, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर है, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके इसका आंसर है सी, ठीक है। मूविंग देखते हैं, आईलिड प्रोटेक्ट करती है डस्ट फ्लाइज, ये ठीक है, चलिए। सो आंसर इज सी। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ रॉक से क्वेश्चन आया हुआ, टाइप्स ऑफ रॉक से एक क्वेश्चन लास्ट उसमें भी था, जो वीडियो सॉल्यूशन दिया है आपको, मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो टाइप्स ऑफ रॉक्स पे भी वो पूछ ही रहे हैं, है ना। मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड दिस सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल ग्लास। ये तो बिल्कुल अगर किसी ने पढ़ा है तो उसे पता होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा। इसका आंसर जो है निस, ऑब्सीडियन, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। आंसर इज बेसाल्ट, इट इज इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक है ये, ठीक है। तो ये आपने अगर पढ़ा हुआ है तो ही आप इसे इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो दैट्स वाई यू नीड टू रीड, अच्छे से ही पढ़ना है टाइप्स ऑफ रॉक्स और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट देम जब टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे।
अनस्क्रैम्बल करना है आर एनवायरनमेंट से है क्वेश्चन, गिवन सेट ऑफ लेटर्स है ठीक है, और टाइप ऑफ मटेरियल है, ये बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये रबर है ठीक है, दिस इज रबर। विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट बी मेड। अच्छा देखो, अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है कि रबर से क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता, लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो क्या क्लिक करेगा कि क्या बन सकता है, तो ध्यान देना है के नॉट बी मेड, नहीं बन सकता है, ये पूछा है। ट्रक टायर बनते हैं पता है आपको ठीक है, सल्फर उसमें ऐड करके, इरेजर बनती है, होस पाइप्स बनेंगे, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब तो नहीं बनते ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर, आंसर शुड बी बी, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वी हैव रीच्ड अचीवर सेक्शन, अचीवर सेक्शन पे पहुंच गए, ये ध्यान से करने हैं क्वेश्चन जो है इसमें ज्यादा मार्क्स के हैं। ओके स्टेटमेंट बेस्ड है, पढ़ते हैं चलिए। फूड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स का क्वेश्चन है, ट्रू 1 to 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सिलेक्ट द करेक्टली आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स ठीक है, ट्रू करेक्टली आइडेंटिफाई करना है और ट्रू एंड फॉल्स हमें इसमें मार्क करने हैं, मार्क करते चलते हैं चलिए। रेड मीट एंड बटर आर रिच इन सैचुरेटेड फैट, वेयर एज वेजिटेबल ऑयल आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यू नो कि इसके अंदर बटर और रेड मीट के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और वेजिटेबल ऑयल जो है इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे चलिए, आयरन इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है ये बात तो, एंड इट्स मेन सोर्स, सोर्स को चेक कर लीजिए क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, बीट रूट है ठीक है, मीट होता तो और अच्छा होता, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी है और लीफी वेजिटेबल है, स्पाइन है क्या, बीट रूट है ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन आपके होते हैं विटामिन बी एंड सी ठीक है, तो ये अच्छा इसके बारे में नहीं पूछ रखा है, पूछा है दैट दे आर नॉट स्टोर, यस क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल स्टेटमेंट जो होंगे वो स्टोर नहीं होंगे बॉडी के अंदर और ये बॉडी में सप्लाई होंगे थ्रू द फूड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ट्रू है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड फैटी एसिड, नो दे आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, है ना, अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो जो मिलती है तो क्या बन जाता है, तो बन जाते हैं प्रोटीन्स ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ B1 विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ B1 कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, नहीं ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, B1 की डेफिशिएंसी जो है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है इससे होता है बेरी बेरी, आपने पढ़ा होगा ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये डिसऑर्डर जो है ये अफेक्ट करता है, थायमीन कहते हैं इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ठीक है। और अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस, कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है इट अकर्स बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ठीक है बच्चों, कैरोटीन विटामिन ए, तो हमें फाइंड करना है क्या, देख लीजिए टी 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 एफ एफ टी 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 एफ एफ सीम्स टू बी बी, सो आंसर शुड बी बी। ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व करना है, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट दो पार्ट में स्टेटमेंट दी हुई होती है और फर्स्ट पार्ट इज राइट एंड सेकेंड पार्ट इज रॉन्ग, तो पूरा अच्छे से पढ़ के ही इसको सॉल्व करिए, अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और डीपली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, फ्लो चार्ट दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर और एस, अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ ओपन माइंड करके इसको सोचते हैं क्या है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है ठीक है, तो कोई भी गैस हो सकती है ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं उसके परसेंटेज सब कुछ आपको पता है, तो कोई भी गैस है ये, यस ओके इट इज अ गैस, इट सपोर्ट्स बर्निंग, बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर यस इफ इट इज सपोर्टिंग तो इट शुड बी ऑक्सीजन, तो पी तो ऑक्सीजन होना चाहिए, होना चाहिए ठीक है। आगे चलिए, अगर नहीं कर रहा है इट कुड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है ठीक है, अब अगर ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है यस देन ग्रीन प्लांट्स यूज इट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है, CO2 करते हैं, मिथेन करता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट भी यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, तो आंसर क्या होना चाहिए CO2, तो ये क्यों क्या होना चाहिए, अगर ये येस है तो इट शुड बी CO2 ठीक है, और अगर ये जो है नो मतलब ग्रीन प्लांट यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जैसे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे दो चीजें यूज करते हैं, एक होता है CO2 और एक होता है वाटर, तो अब CO2 तो इधर चला गया है, अब बचा है वाटर, लेकिन वाटर इसमें नो, ये वाटर हो सकता है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है
एंटर्स द एयर थ्रू ट्रांसपीरेशन. और ट्रांसपीरेशन आपको पता है एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स जो है ये आते हैं कहाँ, एयर में पहुंच जाते हैं. ठीक है, फ्रॉम द स्टोमेटा से वाटर वेपर जो है दे कम आउट इन द एयर. तो यहाँ पे वाटर वेपर हो सकता है, और यहाँ नो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर में तो नहीं डालेंगे आप, तो यहाँ पे वाटर वेपर शुड बी द आंसर. और ये जो है इट वुड कॉज, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है मगर ये बर्निंग को भी सपोर्ट नहीं कर रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं कर सकती है, तो ये एस क्या है, ये कुछ भी हो सकता है. चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और हमें फाइंड आउट करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हमने चार्ट को 90% सॉल्व कर लिया है, लेट्स सी व्हाट कुड बी द आंसर. प्रेजेंस ऑफ आर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अक्रेंस ऑफ वाटर साइकिल. देखिए ये वाटर साइकिल वाटर वेपर्स ही लग रहे थे तो ये तो स्टेटमेंट सही ही लग रहा है. पी कुड बी अ गैस दैट कुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. पी जो है बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, बाय प्रोडक्ट आपको पता है क्या है, ग्लूकोज बनने के बाद ग्लूकोज के साथ क्या बचता है, O2 जो कि रिलीज हो जाता है थ्रू स्टोमेटा इन द एयर, तो इट शुड बी ऑक्सीजन ओनली. सो दिस स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी करेक्ट. वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कीपिंग दिस इन माइंड. मूविंग फॉरवर्ड, क्यू कुड बी अ गैस दैट कुड बी यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. मैंने क्यू को CO2 दिया है, CO2 इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, सो आई थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, एस फॉर्म्स द 0.03% ऑफ द एयर इन द अर्थ एटमोसफेयर. देखो अगर ये 0.03% एयर का बनाता तो ये CO2 होता, लेकिन CO2 तो हमने इधर मार्क कर दिया है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी करता, तो इसका मतलब यही, ये कोई और कॉम्पोनेंट हो सकता है एयर का. सो दिस शुड बी, परसेंटेज गलत दे रखा है, इनकरेक्ट मुझे यही लग रहा है. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, आगे चलिए. अगला क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ लिविंग. वर्ल्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं. रेफर टू द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सिलेक्ट करनी है करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, देखिए प्लांट पार्ट फंक्शन और एग्जाम्पल दे रखे. देखिए प्लांट के पार्ट दे रखे, आप देख रहे हैं कि देखो स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है. ठीक है, देखो मॉडिफिकेशंस के क्वेश्चन है ये सारे, डायरेक्ट कोई भी नहीं पूछ रहा है कि स्टेम क्या कर रही है, रूट क्या कर रही है, या फिर लीव क्या कर रही है. देर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन आर आस्ड ऑन बेसिकली मॉडिफिकेशन. दिस वी हैव सीन इन द पेपर डिस्कशन ओनली. सो फोटोसिंथेसिस है, स्टेम कर रही है, एंड देन इट इज पी सपोर्टिंग सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग. लेकिन क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट करे, लेकिन होना स्टेम का मॉडिफिकेशन चाहिए. ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन पे और रूट की मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, देन इज लीफ रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस सपोर्ट ऑफ सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट. ओके फाइन, पी कुड बी अ पंछिया, पी कुड बी अ पंछिया, ठीक है हो सकता है. वेरस क्यू कुड बी पी, नहीं पी जो है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पी जो है पाइसम सताइवन इज मॉडिफिकेशन ऑफ, क्लाइंबिंग करता है मॉडिफिकेशन लीव की है, तो ये गलत है. आगे चलिए, आर कुड बी हिबिस्कस, एस कुड बी पंपकिन, नहीं. पी कुड बी रोज एंड आर कुड बी मैंगो, नहीं नहीं ये मॉडिफिकेशन है ही नहीं मैंगो में ऐसे. क्यू कुड बी ग्रेप वाइन, क्यू जो है क्यू ये रहा, ओके इट शुड बी ग्रेप वाइन. ठीक है, ग्रेप वाइन मॉडिफिकेशन है स्टेम की. एंड एस कुड बी पी, एस जो है पी है, अभी हमने डिस्कस किया था ये मॉडिफिकेशन है लीफ की, क्लाइंबिंग के लिए होती है. ठीक है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो यू नो दैट द करेक्ट आंसर इज डी. ओके ओके, सो वी हैव फिनिश्ड द डिस्कशन ऑफ बायोलॉजी सेक्शन ऑफ 2020-21 NSO पेपर. स्टूडेंट्स यू शुड नो दैट माई क्लासरूम इज द इंडियाज फर्स्ट फिजिकल एंड डिजिटल क्लासरूम लर्निंग प्लेटफॉर्म. यू कैन विजिट अस एट student.myclassroom.digital. बच्चों हमारी टैबलेट एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर. You can reach us at Facebook, at Instagram. The links are given. Physics, chemistry, logical reasoning, बाकी जितने भी question papers हैं previous years, उनको देखने के लिए आप हमारे subscription box में दिए गए link पे जा सकते हैं. Do not forget to like and subscribe us. Thank you so much for the today's discussion. Thank you.